महीने भर के रोजे के अंतिम दिन ईद के चांद का दीदार होता है। इस खुशी के मौके पर सभी मुस्लिम भाई आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद देते हैं और अमन चैन भाईचारा का संदेश देते हैं। ईद के इसी खुशी के अवसर पर खगड़िया सदर विधायक श्री छत्रपति यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इसी क्रम में बछौता पंचायत पहुंचकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बली इमाम के घर खुशी का पैगाम और ईद की बधाई दिया। उक्त मौके पर उपस्थित शिक्षक साथी विभूति कुमार, यशवंत कुमार, लक्ष्मण एवं नेचर डिग्री चैनल से विवेकानंद चौरसिया ने भी विधायक जी के साथ मिलकर खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दिया। इस मौके पर शिक्षक बली इमाम ने जलसे का आयोजन किया तथा ईद की शुभकामना स्वीकार करते हुए स्वयं भी अपने सभी सहयोगियों को ईद का बधाई देते हुए अमन चैन और भाईचारा का संदेश दिया। अरे जितने शिक्षक दिन है नई जनरेशन के नया की सूची जनहित में क्षेत्र नई सूची का आने वाला कल समय सर पहली बार काम करने वाले प्रतिनिधि बने और इनके सर ईद के अवसर पर खगड़िया वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पवित्र पर्व है जी और त्याग तपस्या का पर्व है और ये पर्व बताता है कि आपस में कुछ स्वार्थ नहीं होने चाहिए। अब मन के अंदर जितनी अहंकार है जितनी कटुता है 29-30 दिन का जो होता है रोजा का अवसर उसमें उसको निकालने के लिए कहा गया है तो लोग अपने अहंकार को दमन करते हैं और ईद शांति का प्रतीक है। समाज में आपसी प्रेम और परिवार समाज में जो है आपसी सामाजिक संस्था बना रहे हमन चलवा रहे छोटी छोटी बातों को जो मन में है किसी को खत्म करना चाहिए यही संदेश देता है। इसलिए अवसर लोग चाहते हैं हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी सामाजिक संस्था बना रहे और ईश्वर के दोनों मिल करके एक विकास के लिए काम क्या बोल सको तुम तो अपने बोला हो ना Oh, yeah.